अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। जैसा कि टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन चल रहे हैं और जो टेस्टें चल रही हैं आईबीए की जानब से एसटीएस की तरफ से, आज का जो 13 जून यानी 13 जून 2023 का पेपर हुआ था उसका अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं मैथामेटिक्स का, और उसके बाद हम साइंस का पोर्शन भी हमारा चल रहा है, वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी वीडियो हमारे पास। अभी देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं, जो कल वाले पेपर है उसके मुताबिक सारे तकरीबन वैल्यूज चेंज करके तकरीबन वही सवाल दिए हुए हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 47 सेम दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। कल वाला पेपर में यही था, आज वाले में तकरीबन यही चीज़ें हैं, वैल्यूज चेंज हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ जब 20% होता है, जहाँ पर परसेंट का मतलब होता है यानी डिवाइडेड बाय 100 होता है, 20% है यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी परसेंट ख़त्म, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। बॉड मास में रूल में पढ़ चुके हैं BOD जो होता है ऑफ होता है, वो ऑर्डर भी होता है ऑफ भी होता है, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये प्लस आ गया, प्लस ये 20% है यानी 25% यानी 25 डिवाइडेड बाय 100। परसेंट को हम यूँ लिखते हैं यानी परसेंट को ख़त्म करते हैं, डिवाइड में 100 आ जाता है। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 60, तो इसके साथ 60 कर देंगे। अब ये हमारे पास टाइम कम होता है तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में जब होता है यानी ये ऊपर ही होता है, ठीक है, ये डिवाइड में होता है, ये एक ज़ीरो से गई, ये दूसरी ज़ीरो से गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ज़ीरो इस ज़ीरो से गई, बाकी ये सेम रहेंगे, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे ख़त्म हो गए यानी ऊपर है, 3 to the 6 बच गया, यानी इस पोर्शन का हमारे पास जो आंसर बच जाए, इस पोर्शन का आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब इस पोर्शन का हम देखते हैं, ये प्लस लिखेंगे, अब इसका पोर्शन का क्या आएगा, अब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का टेबल आपको याद है तो 6 टाइम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, याद है टेबल, ठीक है, वरना आपको इस तरह से करना होगा। अब 25 को 6 टाइम जब टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देख लें, 6 5 30, 0 3 ऊपर और 6 2 12 आ जाएगा, 12 और 3 15 आ जाएंगे, यानी 150 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई ये 10, ठीक है। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल, अभी ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 15, यहाँ पर 6 ये देख लें, 6 प्लस 15, 6 और 15 कितने हो जाते हैं, देख लें आप, 5 और 6 11 हो जाएंगे, एक इसको ऊपर आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, यानी 21 आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका 21 आंसर आ जाएगा। 47 का आंसर जो आ जाएगा 21, अभी देखें 47 कहाँ पर है, यहाँ पर 47 और यहाँ पर 21 आंसर है, हाँ ए इज़ राइट आंसर, इसका ए जो है राइट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग देखा करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करा करें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर दे आपको, यहाँ पर 20 की जगह पर 30 दे सकता है और यहाँ पर आपको 20 कर दे, यहाँ वैल्यू चेंज कर सकता है, कल के पेपर में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आ जाए, तो आप आसानी के साथ 20% ऑफ 100 आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये 100 में क्या 20 आ जाएगा इसके। इसी तरह से मुख्तलिफ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आगे आने वाले टेस्टों के लिए आप प्रिपेयर रहें। आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 48 है, द 10 सेंटीमीटर इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। अब ये इसी टाइप का क्वेश्चन कल के पेपर में आया था, कि कल के पेपर में आया था यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो कल के पेपर में आया था मेरे ख्याल में 1 PKR जो था रुपीज़ के थी, 50 रुपीज़ में थी, ठीक है, 50 पैसा का वो पूछ रहा था कि इसका फ्रैक्शन बताएं, सेम था। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, अब 1 मीटर पूछ रहा है, यानी कल वाला ये था लास्ट टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट में था, ये आज वाले में आया है, कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं, यानी रुपीज़ में कितने होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं, ठीक है, ये आपका जो रेशो बन गया था वो आपका 1/2 बना था इसका। अभी इसमें क्या होता है, अब जो आज वाला पेपर है उसमें हमें आपसे यही पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ये वैल्यूज आपको पता होंगी तभी आप उसको कर सकते हैं, यानी आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका 10 है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन अमाउंट होता है उसको आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये आपके पास कितने मिले हुए हैं, 10 मिले हुए हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको मिले हुए हैं। अभी आपको ये पूछ रहा है कि ये आपसे पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर जो होंगे आपके कितने मीटर में आ जाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे
और नीचे हम लिखेंगे ये कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो में गई, तो आपके पास क्या बच गया, 1/10 बच गया, यानी 1/10 सेंटीमीटर आपके आ जाएगा। ठीक है, 1/10। अभी देख लें 48 का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, 48 1/10 जी देख लें 1/10 बी, बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। अगर आपसे यही पूछे तो इसके तरह से आप लोग 1/10 करें। अगर आपको पहले ये आपको बता दिया होता मीटर में, तो सेंटीमीटर में करना होता तो आप इसको उलट कर लेते। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि मीटर कितने के बराबर है, सेंटीमीटर कितने के बराबर है, किलोमीटर कितने के बराबर होता है। ठीक है ना, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यानी 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, ये 1000 मीटर होते हैं, ये यानी चीज़ें आपको पता होंगी तभी इनकी कन्वर्जन और आप इनकी फ्रैक्शन बता सकते हैं। ये मैंने कल डीपली समझाया हुआ है, उसको आप देख लें तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपसे मीटर पूछ सकता है, किलोमीटर पूछ सकता है, और इनके कन्वर्जन पूछ सकता है, और इसी को डेसिमल में पूछ सकता है। डेसिमल में कैसे करेंगे, इसी को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको डेसिमल में मिल जाएगा। ये आपको फ्रैक्शन में कहा है, अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में यही सवाल आपको कहे तो आप इसको किस तरह से करेंगे, तो आप 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 1 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखें 1 को 10 के साथ नहीं जा रहा टेबल, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लगा लिया, 10 वन 10। ठीक है, अब आपके पास 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 0.1 आंसर आ जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। अभी ऑप्शन दिए गए हैं, अब कह रहा है इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। कल भी इसी टाइप का आया था, इम्प्रॉपर का पूछ रहा था, आज प्रॉपर का पूछ रहा है। कल के लिए कल ये आ सकता है कि आप मिक्स बचाएं बताएं, या इम्प्रॉपर में बताएं, या डेसिमल में बताएं। तो डेसिमल में भी आपसे पूछा जा सकता है, इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में। इनकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने पहले कल आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका भी मिसाल के तौर पर 4/3, और यहाँ पर कह रहा हूँ मैं 3/4। अब जिसका ऊपर वाला हिस्सा यानी न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो आपकी कौन सी इक्वेशन बनती है, वो आप बताएं, इम्प्रॉपर बनती है। इससे हम कहते हैं ये जो होता है ग्रेटर होगा, तो ये आपकी इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, अब जिसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, वो आपकी होगी प्रॉपर। अब ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लें, मिक्स में क्या होगा, 4/2 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है। ठीक है, 4/2 हो सकता है, ये आपकी मिक्स में हो जाएगी। डेसिमल में ये आगे 0.48 आ जाएगा, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें देखें ऊपर वाला किसका छोटा है, ये 7 बड़े हैं या 8 बड़े हैं, तो इसमें 8 बड़े हैं, तो यानी ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो एक हमारा प्रॉपर हो गया। आगे देखें, ये देखें 8 बड़े हैं या 3, 8 बड़े हैं, तो ये बड़ा ऊपर है, तो ये हमारी इम्प्रॉपर हो गई, ये हमारी इम्प्रॉपर हो गई। 9 बड़े हैं या 3 बड़े हैं, 9 बड़े हैं, जो अमाउंट ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वो अगर ऊपर आ रहा है तो आपकी इम्प्रॉपर, वो आपकी जो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये देखें ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला, ये आपकी इसी तरह से, अभी ये इसमें छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो आपकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी ये रहेगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। ज़्यादा वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सूफिया के प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। आगे चलते हैं, एक दो सवाल आप देखते हैं, फिर नहीं तो दूसरी वीडियो में करते हैं उसको। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन टू द रेशो। अब ये रेशो का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप क्या करते हैं, हमें पता है जिसका रूल का पता है, ये जो होते हैं पहला वाला और ये आखिर वाला, यानी बाहर वाले के साथ और अंदर वाला अंदर वाले के साथ। मैं अभी सिंपल वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, जो आप लोगों को आसानी आ जाए, जिसको मैथ जीरो भी नहीं आती वो भी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई का ताल्लुक होता है। सिंपल में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई का ताल्लुक होता है, यानी इसको 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3x। अब इसका मतलब होता है यानी इज इक्वल टू 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 फाइव 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 फाइव 30 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई का ताल्लुक, ये इज इक्वल टू के बाद चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी एक सेम रखेंगे यहाँ पर, ये इधर जाएगा 30, ये नीचे आ जाएगा इसके पास, तो डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 3 वन 3, 3 वन 3, ये 0 सेम। एक्स इज इक्वल टू 10 आपके पास आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 10, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का कहाँ है, ऑप्शन में 10 आ रहा है, ऑप्शन कहीं पर भी 50 का 10, ऑप्शन सी इज़ आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें वैल्यू चेंज कर दे, कल के पेपर में x की जगह पर y कर दे, ठीक है, और यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर दे, या यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर x कर दे, यहाँ पर x कर दे, कहीं पर भी कर दे, तो आप इनको कन्वर्जन करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही है। अगर किसी को क्वेरी वगैरह है तो कोशिश करें, कमेंट करें,
और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारी वीडियोस का फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। और ये ध्यान में रखिएगा तो हमारी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ की हुई हैं, वजाहत के साथ बताई हुई हैं, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज की हैं, वो भी हमारे पास ज़रूर देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आने वाली सारी टेस्टों में एसटीए या फेडरल में जो भी आती हैं टेस्टें, ये तकरीबन इन्हीं टाइप्स की आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।